नमस्ते और आप सभी व्यूवर्स का सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग शो में बहुत बहुत वेलकम। एक बार एक लड़के ने बाबा जी से प्रश्न पूछा कि बाबा जी कौन से क्षेत्र में कैरियर करना अच्छा होगा। बाबा जी ने जवाब दिया, बच्चे इंसान बन जा, अभी इसमें फिलहाल स्कोप भी बहुत है और कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं है। ये चुटकुला जब मैंने पढ़ा तो मुझे हंसी आई, पर दोस्तों हम जीवन की वास्तविकता से मुंह को नहीं मोड़ सकते। ये बात सच है कि मानसिक बीमारियों के रूप में आज इंसान के जीवन में समस्याओं का सैलाब आ चुका है, लेकिन सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग जैसे प्रोग्राम हमें एक उम्मीद की रोशनी भी दे रहे हैं। हम अलग अलग प्रश्नों को ले रहे और उनके सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जीवन हमारा और अधिक आसान बन सके। हर बार की तरह डॉक्टर सचिन हमारा साथ देंगे, मैं उनका स्वागत करती हूँ। नमस्ते, ओम शांति। ओम शांति। जैसे हमने अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म की अभी तक बात की थी, कई प्रश्नों को भी लिया था हमने व्यूवर्स के, लेकिन जो डिफेंस मैकेनिज्म की बात की थी वो हमारे मोस्ट ऑफ नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म थे। अपने आप को बचाने के लिए हम अलग अलग नेगेटिव चीज़ों का इस्तेमाल करते या यूज़ करते हैं। कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, अपने आप को बचाने के लिए हमेशा ही इंसान नेगेटिव चीज़ों का सहारा नहीं ले सकता, कई बार वो पॉजिटिव चीज़ों का भी लेता है। तो कौन से ऐसे पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म होंगे? बहुत सारे पॉजिटिव मैकेनिज्म्स हैं और जैसे आपने कहा, अच्छा इंसान बनने में स्कोप बहुत है। हाँ जी, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हमारे पास भी काफ़ी लोग आते हैं जब हम उनको, खास करके जब पॉजिटिव थिंकिंग का लेक्चर होता है या पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का लेक्चर होता है। मैंने लिटरली मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि कौन है ऐसा, आप कहते हो अच्छा बनो, अच्छा है कौन, चारों तरफ हमको अच्छा तो दिखाई नहीं देता है। और मैं ये नहीं कहता कि ये गलत कह रहे हैं, डेफिनेटली कम दिखाई देता है। अगर हमारे ढूंढने की आदत नहीं है तो हमको दिखाई ही नहीं देगा। तो मैं उनको पहली एक बात यही कहता हूँ कि अच्छा इंसान ढूंढने की कोशिश मत करो, आप खुद अच्छे बन जाओ ताकि आपको देख के किसी की तलाश पूरी हो जाए। तो ऐसे लोग हैं और ये लोग बहुत मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। हमने अभी तक जो देखे डिफेंस मैकेनिज्म वो या तो इमैच्योर न्यूरोटिक एंड साइकोटिक डिफेंस मैकेनिज्म देखे जी। अभी हम देखेंगे मैच्योर या परिपक्व व्यक्ति का क्या लक्षण होता है। जी। तो परिपक्व व्यक्ति का लक्षण जो होता है वो, उसमें बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो सिचुएशन को या परिस्थिति को कैसे हैंडल करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट स्वमान बना रहे। तो उसमें टॉप लेवल पे जो डिफेंस मैकेनिज्म जो आती है उसका नाम है सब्लिमेशन। ओके, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन या जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि ऊर्ध्वीकरण। अच्छा, हमारी ऊर्जा जो है वो या तो निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं या पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये लोगों में ये कला होती है कि अपनी ऊर्जा को वो डायरेक्शन देते हैं। योग भी जो है राजयोग से, लोगों को लगता है कुछ मैजिक हो जाएगा। मैजिक यही है कि आपकी जो ऊर्जा निगेटिविटी की तरफ जा रही है, मेडिटेशन से वो पॉजिटिविटी की तरफ जाने चालू हो जाते हैं। तो एक्चुअली मेडिटेशन भी एक प्रकार का सब्लिमेशन है। ओके, मेरी जो ऊर्जा है वो इंद्रिय सुखों की तरफ भाग रही है और मैं उनको इंद्रियों से निकाल के परमात्मा की तरफ डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं उनके जैसा बन सकूं। या तो आप अपने ऊर्जा को निगेटिविटी में लगा रहे हैं या पॉजिटिविटी में लगा रहे हैं, और जितना पॉजिटिविटी में लगा रहे हैं वो क्वालिटी या गुण वो शक्ति आपके अंदर बढ़ने लगती है। ये है सब्लिमेशन। ओके, और सभी योगी लोग अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। और हमको भी परमात्मा शिव बाबा ने बताया कि राजयोग से कोई विशेष बात नहीं होता है, राजयोग केवल क्या करता है, रूपांतरण करता है ऊर्जा का। ऊर्जा कहीं जाती नहीं है। हमने बहुत बार सुना है, भारत में तो ये बम्बार्ड किया जाता है कि सभी की जड़ विकार है। तो विकार में प्रमुख पांच विकार है, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ऐसे कहते हैं। तो हमको, मुझे याद आता है परमात्मा शिव बाबा ने बताया कि ये सब ऊर्जा वही रहेगी, सिर्फ एनर्जी का डायरेक्शन बदल रहा है। अगर आपके अंदर काम विकार है तो अगर आप योग करेंगे तो वो सब्लिमेट होके वो काम विकार शुभ कामना का रूप ले लेगा। अच्छा। कहीं जाता नहीं, एनर्जी का रूप बदल जाता है। ओके, साइंस में भी हम कहते हैं कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं की जाती है,
उसको का केवल ट्रांसफॉर्म किया जाता ट्रांसफॉर्म है। करना है। तो सब्लिमेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ निगेटिव एनर्जी इंटू पॉजिटिव। तो काम विकार अगर है तो वो शुभ कामना में परिवर्तन हो जाएगा। जी हमने भी देखा है कि जिनके अंदर बहुत काम वासना है, अगर वो मेडिटेशन करते हैं तो वो प्रेम का रूप ले लेता है, और प्रेम एकदम पॉजिटिव है। काम वासना में आप एक्सप्लॉइट करते हैं, दूसरे का इस्तेमाल करते हैं अपने सुख के लिए, पर यहाँ पे देने की भावना रहती है, तो शुभ जी कामना। ओके अगर आपके अंदर क्रोध है तो क्रोध को अग्नि कहते हैं, तो क्रोध की अग्नि का सब्लिमेशन होता है योग की अग्नि में, क्योंकि अच्छा आपको शरीर के भान से बाहर निकलना और आत्मिक रूप में स्थित होना या परमात्मा के ऊपर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना है, तो वही एनर्जी को आप उल्टा टर्न कर रहे हैं। जी क्रोध की जो अग्नि है वो योग अग्नि में परिवर्तित हो जाते हैं, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही लोभ, लोभ माना चाहिए 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 चाहिए, जो बॉटम लाइन है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। लोभ केवल पैसे का नहीं होता है, लोभ चीजों का भी होता है। तो चाहिए चाहिए को अनासक्त रूप में वो परिवर्तित हो जाती है। मोह को परमात्मा प्यार में परिवर्तित हो जाता है। जो अच्छा हमारा देहधारियों में मोह है वही निकाल के परमात्मा प्यार में लग जाता है। और अहंकार जो है वो स्वमान में, सेल्फ रेस्पेक्ट में, तो ये सब विकार कहीं जाते नहीं, उनका रूप ट्रांसफॉर्म हो जाता है। राजयोग मेडिटेशन कोई मैजिक नहीं करता है। राजयोग मेडिटेशन में हमारा योग परमात्मा के साथ होने के कारण ये ऊर्जा का परिवर्तन है, और ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सब्लिमेशन। राजयोग में हम विकारों का रूप परिवर्तन, और इसके अंदर सब आ जाता है। जैसे हम हिंदी में कहावत है कि हाथी के पाँव के नीचे सब आ जाता है, जी वैसे अगर आपने विकारों का रूप परिवर्तित किया उसमें सब आ जाता है। अभी साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सब्लिमेशन को कैसे इस्तेमाल करते, समझो किसी यूथ में बहुत सारा गुस्सा है, जी अभी गुस्से को सब्लिमेट करेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि अच्छा आपको गुस्सा आता है ना, तो आप गुस्से को निकालो, किसमें निकालो, आप फुटबॉल खेलो, किक बॉक्सिंग खेलो, ठीक है ना। तो आपके अंदर जो ऊर्जा है बहुत, वो बाहर वो निकलेगी। उसको एक दिशा, वो पूरा बिकम अ फास्टर बॉलर, तो वो पूरी गुस्से की एनर्जी उसमें चली जाती है। ये सब्लिमेशन साइकोलॉजिस्ट बताते हैं। हमारे जिंदगी में अगर किसी की मौत हो जाती, मुझे याद आता है जब मैं छोटा था एक मूवी आती थी मराठी में, हमारी मातृभाषा मराठी है, श्यामची आई करके, तो उसमें जो श्याम दिखाया उसका अपने माँ से बहुत प्यार रहता है, और माँ उसको बहुत प्यार से बड़ा करती है, और वो मूवी को मेरे ख्याल से अवार्ड भी मिला था, सानी गुरुजी इन्होंने लिखा, तो बहुत माँ से उसका गहरा अटैचमेंट था। लेकिन एक उम्र में जब उसका शरीर छूट जाता है तो खालीपन आता है, अभी क्या जी करे, तो वो अपने देश को ही अपनी माँ बना लेता है, और उसके लिए दिस काम करते यस, हैं। और उसके लिए वो जीता है। तो ये भी सब्लिमेशन है, और ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सब्लिमेशन है कि ओके भारत को अपनी माता बनाना। ये देखो ये ऊर्जा का उर्ध्वीकरण है, बहुत अच्छा तरीका है मेरे ख्याल से, कि जितना आप अपने आप को सब्लिमेट करते हैं अपनी ऊर्जा को, तो ये मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म माना गया है। बहुत ऐसे लोग हमारे आसपास है, हम दादियों को देखते हैं, दादी का भी उदाहरण मैं आपको कितना बताऊं, सब्लिमेशन का, ब्रह्मा बाबा का, जो भी आप अगर पढ़ोगे आपके उनके सामने भी इस चरित्र, तरह के बहुत हाँ सारे बहुत उदाहरण सारे हैं उदाहरण है। कि जो ऐसे बड़े लोग सब्लिमेशन का यूज कर कर यस, अपनी ऊर्जा का बहुत अच्छी जगह पर बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन करते ट्रांसफॉर्म हैं। करते हैं, और वो बहुत अच्छी हमारे बात। सामने रोल मॉडल है, तो हमको इनका चरित्र हमेशा आंखों के सामने रखना चाहिए। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। हम देखते हैं कि स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, और नॉलेज बहुत है लोगों के पास में, हम इनको अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, पीपल हैव बिकम विथ स्वोलन हेड्स रादर देन स्वोलन हार्ट। यस हम अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्रोमेगैली है ज्यादा, कार्डियोमेगैली कम है, जी माना दिमाग बड़ा हो चुका है, दिल दिमाग वाले लोग ज्यादा बड़ा है, नहीं है। दिल बड़ा नहीं है। तो दिमाग जब बड़ा हो जाता है ना तो अहंकार बहुत आता है, और अहंकार बहुत रहता है उस व्यक्ति को इंसल्ट जल्दी फील होता है, अपमान जल्दी फीलिंग आती है। और जो मैच्योर लोग रहते हैं जिनके पास सचमुच में ज्ञान है ना, तो यूजुअली क्या होता है कि अगर गलती हो जाती है तो व्यक्ति अंदर से हर्ट फील करता है कि मेरे से गलती हो गई, अपने को कोसता रहता है। लेकिन ये मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म वाले इतने स्मार्ट होते हैं कि वो एक डिफेंस को यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमर, जी ह्यूमर,
जिसको हम इस तरह से कहते हैं कि दूसरों के ऊपर हंसेंगे तो अच्छा नहीं है इससे ना, अच्छा अपने आप पे इससे हंसने। अच्छा अपने आप पर हंसना आना चाहिए। तो ये लोग जो होते हैं इनको अपने आप के ऊपर हंसना बहुत अच्छी तरह से आता है। तो इससे क्या होता है, आपके अंदर हर्ट फीलिंग नहीं आएगा। होता क्या है कि मैं अपना दिमाग इतना बड़ा करके रखा है, तो मैं अपने को एक पोजीशन लेके मैं चलता रहता हूँ कि मैं सो एंड सो एक्स वाई जेड, मेरा ये स्टेटस पोजीशन है। मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म वाले इस मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं कि खुद के ऊपर हंसना आना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, जो जिसका दिमाग बड़ा होगा ना, अगर उससे गलती हो जाती है, गुस्सा आता है उसको, या तो अपने ऊपर आएगा या दूसरे के ऊपर जो आएगा, नेगेटिव डिफेंस यूज निगेटिव करते डिफेंस मैकेनिज्म। हैं। लेकिन पॉजिटिव डिफेंस वाला खुद के ऊपर हंसेगा, क्योंकि वो इमेज को पकड़ के नहीं चल रहा है। ईगो इज रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, अटैचमेंट विद द आइडेंटिफिकेशन रॉन्ग इमेज, कि मैं सो एंड सो, मेरे से गलती कैसे हो सकती है, हाउ कैन आई कमिट मिस्टेक, जबकि गलती किसी से भी हो सकती है और उसका बड़ा इश्यू नहीं बनाना चाहिए। तो अपने आप पे हंसना ये एक हाँ, बहुत अच्छा दवा का काम मैंने खुद करता यह है। अनुभव किया, क्योंकि हम जैसे अप द लैडर जाते हैं ना, तो यू आर नॉट सपोज टू कमिट मिस्टेक एंड मिस्टेक इज द एंड ऑफ लाइफ, इस तरह से हम अपने आप को उस लेवल तक लेके जाते हैं। और उस समय हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, मैं देखता हूँ, निगेटिविटी प्रॉपअप हो जाती है। लेकिन ये जो मैच्योर लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, वो हंसते हैं, अपने आप माने पे इतने बात को वो ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, वो तुरंत अटेंशन लाइट हो रखते हैं, जाते हैं लाइट हो जैसे ही जाता है। आप अपने आप पे मुझे हंसते एक हो किस्सा तो। याद आता है, प्रैक्टिकल। हम एक 7 स्टार होटल में बैठे थे, फॉरेन की कंपनी आई थी, हमारी कंपनी के तरफ से हमारे प्रेसिडेंट थे, टॉप टीम थे, मार्केटिंग मैनेजर, मैं मेडिकल एडवाइजर और प्रोडक्ट मैनेजर, हम सब बैठे थे, बिजनेस के बारे में बात हो रही थी। अचानक प्रेसिडेंट ने एक ऐसा सवाल पूछा, हम सब हंसने लगे। हमारी दृष्टिकोण से फुलिश क्वेश्चन था, लेकिन जैसे ही सब हंसने लगे, प्रेसिडेंट ने तुरंत कहा, व्हाई आर यू लाफिंग, इट इज माई राइट टू आस्क अ फुलिश क्वेश्चन, ये मेरा अधिकार है। और हम सब फिर लाइट हो गए। मैं ना, इतनी बड़ी पोस्ट पे ग्रुप प्रेसिडेंट है बड़े बहुत सारे कंपनी के, वो इमिडिएटली उसने उसको लाइट कर दिया। मैंने, उसने फील नहीं किया ये लोग मेरे को हंस रहे हैं, उन्होंने पूरा सेल्फ रेस्पेक्ट में रह के कहा कि इट इज माई राइट, ये मेरा अधिकार है कि मैं मूर्खों जैसे सवाल पूछ सकता हूँ, यू कैन नॉट टेक माई राइट अवे। मैंने, उनको बुरा नहीं लगा, इससे पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। क्योंकि क्या है, अगर हर बात में आप हर्ट फीलिंग करते हो, कई लोग मैंने देखा है कि नाराज होते हैं, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होते रहते हैं और उसको पकड़ के चलते रहते हैं। बात हुई रहेगी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसी को पकड़ के चल के लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे से ये हुआ तो हंसने लगे, इन्होंने ये किया, और फिर वो बहुत प्रॉब्लम में आते हैं। ये फिर इमैच्योर या न्यूरोटिक और साइकोटिक डिफेंस मैकेनिज्म में चले जाते हैं। तो वहां पे हमको ये सीखना चाहिए कि समय आने पर अगर गलती हो जाती है, खुद के ऊपर हंसना सीखो आप, बहुत और खुद अच्छा। को इतना इम्पोर्टेंस मत दो। हमेशा ये ध्यान में रखो कि आपसे भी कोई बड़ा है एंड यू आर अ ह्यूमन बींग, यू कैन कमिट अ मिस्टेक। तो ह्यूमर को यूज करना सीखो, हम इसको बताएंगे कि ये ये एक बहुत एक पॉजिटिव मैच्योर, डिफेंस मैकेनिज्म यस, या मैच्योर डिफेंस मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। मैकेनिज्म है। तो इसके अलावा भी और हैं। इसके अलावा काफी सारे हैं। मुझे एक बहुत बड़ी डिफेंस मैकेनिज्म, पूरे साइकोलॉजी का अगर बेस अगर हम देखें, तो सब्लिमेशन के साथ में ये जाती है, और वो है एक्सेप्टेंस। मैच्योर जो व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश नहीं हाँ करेंगे। जी, ये भी हमने हाँ, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया था। यस, अगर झूठ का इस्तेमाल आप करते हो लेकिन जरूरत ही नहीं होती है, जब आप सही होते हो तो आपको ज्यादा डिबेट में नहीं जाना यस, है। एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस में, इसमें पूरा साइकोलॉजी आ जाता है। जब हम किसी भी परिस्थिति को अस्वीकार करते हैं, तब हमारे फीलिंग्स को निगेटिव होना ही है, और जब हम उसको स्वीकार करते हैं और लक्ष्य अच्छा रखते हैं, तो हमारे इमोशंस पॉजिटिव रहते हैं। किसी भी बात को आप ले लो, समझो कोई आपसे आगे जा रहा है, तो नॉर्मली अगर निगेटिव वाला व्यक्ति है तो उसको ईर्ष्या आएगी, लेकिन उसी बात को अगर आप इंस्पिरेशन के रूप में लो, अरे ये आगे गया, क्या इसने किया, मेरे को भी वो करना है, इट बिकम्स एन इंस्पिरेशन। वही एनर्जी को आपने एक्सेप्ट किया, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो वो जेलसी बन जाता है, ठीक है ना। जितना जल्दी हो सके जीवन में, चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन उसको स्वीकार करना। स्वीकार हम सब करके, जानते हैं, ये सबको पता भी है, बहुत कुछ हम आजकल फिलॉसफी व्हाट्सएप से भी पढ़ते हैं,
लेकिन स्वीकार करना उतना आसान नहीं होता है, यस स्पेशली जब किसी के अपनों की मृत्यु हो जाती है, ऐसे केस में हम कैसे स्वीकार करेंगे? मैं इस बात को मानता हूँ कि मृत्यु होना, उसको एक्सेप्ट करना बहुत टफ है। मेरे पास एक केस आए थे, एक ही बेटा अच्छी पोस्ट पे है और बहुत अच्छा, सबका दोस्त और बहुत सेफ्टी से चलने वाला। लेकिन एक बार उनके मैनेजर ने उनको कहा कि चलो मेरे साथ तुमको चलना है। वो कहते हैं मैं नहीं आ सकता, मेरे को नहीं आना है, मेरे को अपना काम करना है। लेकिन वो मैनेजर उसको लेके गए, मैनेजर का ऑर्डर है, इसलिए गया। टू व्हीलर पे से गए, मैनेजर आगे बैठी है, वो पीछे बैठे हैं, और टर्न, एक रोड पे टर्न लेते समय वो बराबर नियमों के अनुसार चल रहा है। पीछे से एक ट्रक आया जिसने नियम तोड़ा और उस गाड़ी को उड़ाते हुए लेके गए। और ट्रेजेडी आप देखो कि जो मैनेजर बैठी थी, जो गाड़ी चला रही थी, उसको कुछ नहीं हुआ, और शी इज एब्सोल्युटली अनहर्ट, एंड इनका शरीर छूट गया। तो बहुत ये लोग सैड। बहुत सदमे में, क्योंकि बहुत मिन्नत के बाद उनको बेटा हुआ था जिसको पढ़ाया, अच्छी पोस्ट पर लेके गए। तो वो हमारे पास आए, कहते कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, ऐसा हमारे क्यों? साथ ऐसा क्यों हुआ? तब वहां पे ना स्पिरिचुअल नॉलेज देखो कैसे मदद करता है। मैंने पहले तो एक्नॉलेज किया, एम्पथाइज किया, मैंने कहा ये बात ठीक है कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि सभी खुशियाँ हमारी वो थी और हम अच्छे चल रहे थे, हमारा कोई दोष नहीं था। मैंने केवल एक ही सवाल उनसे पूछा, ये जो आप बेटा आप कहते हैं आपके पास आया, ये कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा कहीं से तो आया होगा। तो जब आपके घर में आया, इसका जन्म हुआ, तो आपने खुशियाँ मनाई थी, सेलिब्रेट किया? तो ना, हमने तो बहुत खुशियाँ मनाई हमारे घर पे आया। क्या तब आपने ये सोचा कि ये हमारे घर में आया, हम खुश है, लेकिन जहां से आया वहां वो पे लोग क्या कितने माहौल दुखी हैं होगा, जी, वो लोग कितने दुखी वो लोग होंगे। कितने दुखी हो गए? मैंने, उन्होंने कहा नहीं हमने तो ये नहीं सोचा। तो इसका मतलब क्या है? तो फिर मैंने उनको बताया कि आपके यहाँ पे आया कहीं से आया, एक जगह पे दुख मना रहे, एक जगह पे खुश है ना, वही जी आत्मा है। अभी वही आत्मा आपके यहाँ पे आई, 25 साल तक आपको सुख दिया, अभी वो अपनी अगली यात्रा पर गए हैं। तो आप क्या चाहेंगे, उसकी यात्रा ठीक रहे या वो वापिस उसका खींच हो? क्योंकि उसका शरीर तो छूट गया है। तो जैसे आपने खुशी मनाए, आगे जिस परिवार में जा रहे हैं वहां पे खुशियां मना रहे हैं, जी आप उसको वापिस क्यों खींच रहे हैं? और जब आया तब आपने ये नहीं कहा कि क्यों आया, जहां से आया उन लोग के बारे में आपने नहीं सोचा, तो कम से कम अभी तो सोचो। जी एम्पथाइज विद दैट, तो ये ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता नॉलेज, आपको बहुत ज्यादा हेल्प यस करती हाँ, है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज का बेस हमारे पास है, तो हम इस सिचुएशन में, डेथ जैसे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी स्टेबल रह सकते हैं, एक्सेप्ट करना हमारे लिए आसान हो आसान सकता हो है। जाता है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी मदद करती है। स्पिरिचुअलिटी हमको ये शक्ति देती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम अपने आप को स्टेबल रख सके। और यहाँ पे मुझे भगवद गीता की वो बात आते है जिसके ऊपर काफी लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये बहुत डीप फिलोसफी है कि जो हुआ अच्छा अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला अच्छा। ये केवल मौकरी नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी है अगर आप इसकी गहराई में जाओ। क्योंकि जो एक बार कोई बात हो गई, उसको एक्सेप्ट करने के अलावा और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। जो हो रहा है वो आपके हाथ में है, और जो होने वाला है उसके प्रति अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो एक ऑप्टिमिज्म रहता है, आपको जीने का कुछ तो लक्ष्य मिलता है। और यहाँ पे मैंने देखा हमको राजयोग मेडिटेशन बहुत मदद करता है। पहले मैं भी ये समझता था कि ये क्या है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरे को समझ। लेकिन जैसे मैंने चिंतन किया तो पता चला कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है। और अगर इस बात को हम अंदर से घोट के तैयार रहे कि नहीं, जो हुआ ड्रामा में वही होना था, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप देखो इस बात की गहराई से कि कोई भी घटना होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ होना जरूरी है। जी किसी भी बात को आप लेके, जैसे ये इंटरव्यू चल रहा है, आप कहाँ से आए, मैं कहाँ से आए, कैमरामैन कहाँ से आए, लाइट रहना, सबकी तबीयत ठीक रहना, सब कुछ, सब फैक्टर्स जब एक साथ मिलते हैं तब कोई घटना घटती है। तो एक घटना को, एक व्यक्ति को नहीं देखो, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके वो घटना होने के लिए निमित्त बनते हैं। जी जैसे वो एक्सीडेंट का ही देखो, वो जाना नहीं चाहता था लेकिन जाना पड़ा, मैनेजर ने बोला, टू व्हीलर पे नजदीक जाना था लेकिन ट्रक को उसी समय आना था और उसी समय ओवरटेक करना यानी था। कई घटनाएं फिक्स होती हैं, अपने समय पर उसको होना भी हाँ, होता है, होना भी होता है। लेकिन तो मुझे लगता है कि हम भूल जाते हैं कि हम बोलते हैं बहुत बार कि हम इस जर्नी पे आए हुए हैं, हमारा रोल है, पर ये रोल प्ले करते करते
हम इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं, इसीलिए यस हमारे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल यस, हो ये जाता है। जरूर है कि घटना होने से पहले आप अपना पूरा पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए कि आप जैसा चाहते हो वैसा जी हो, लेकिन एक बार हो जाने के बाद आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, उसको बीच बीच एक्सेप्ट में अपने करें। आप को रिमाइंड कराना जरूरी है कि हाँ हम लोग यहाँ पर जर्नी पे आए, हमको कभी भी जाना पड़े। मैं तो ये कहता हूँ जाना पड़ेगा, मैं ज्यादा नहीं सोचता, मैं ये कहता हूँ इस जर्नी को मैं अच्छा करूँ। लोग एग्जिट से डरते हाँ, हैं, एग्जिट वो भी होना नहीं फियर है चाहते ना, हैं। वो फियर है क्योंकि अटैचमेंट है, रोल है ये भूल चुके हैं, टेम्पररी आए हुए ये भूल चुके हैं। पर एग्जिट कॉन्शियस नहीं होना है, जी, कॉन्शियस प्रेजेंट मोमेंट कॉन्शियस यस होना यस है। तो एग्जिट हो गया ये हमको पता है, जब एग्जिट होने का टाइम आएगा एक्सेप्ट करना है। और योगी लोग इसमें मैंने देखा कि कई योगियों को, क्योंकि मैंने यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में सेवाएं दी है, तो बहुत सारे मेडिटेटर्स को शरीर छोड़ते हुए देखा, वो पहले से तैयार रहते हैं जाने और के उनको लिए पता चल जाता है कि अभी हमारा एग्जिट का टाइम आया है, तो खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। बहुत अच्छी बात। ऐसे योगी भी है और बाहर के लोग भी मैंने देखे, कुछ लोगों के अंदर वो होता है। तो ये मैंने विशेषता देखी, तो हम इसको जरूर अटेंशन दें कि एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट नहीं है, अगर हमारे पास आध्यात्मिकता का बेस है तो हम परिस्थिति को एक्सेप्ट कर सकते हैं जी अपने ज्ञान के आधार पर या जो भगवद गीता का ज्ञान है उसके आधार पर, और अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। तो तीन डिफेंस मैकेनिज्म, एक है सब्लिमेशन, जी एक है ह्यूमर और तीसरा एक्सेप्टेंस, इसके ऊपर अगर हम चिंतन करें तो बहुत सारी परिस्थिति को हम आसानी से हैंडल कर सकते बहुत हैं। सुंदर। आज भी हमने सारा पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में काफी कुछ जाना, जानते भी होंगे ऑलरेडी लोग, लेकिन उस जिस तरह से आपने उसको एक्सप्लेन किया विथ एग्जाम्पल, मुझे लगता है समझने में बहुत ही आसान हुआ होगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को। आज की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम ओम शांति। शांति। जैसे बताया कि आज हमने पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, यानी हमें अपने आप को बचाना तो है ही, लेकिन अगर उसको पॉजिटिव वे में बचाते हैं तो कैसे, क्या यूज करना है, तो ह्यूमर यूज कर सकते हैं, सब्लिमेशन यानी हमारी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव की तरफ लगाना है, और तीसरा एक्सेप्टेंस, जितना हमारा स्वीकार करने का मन बनता जाता है और हम उसको तैयार करते रहते हैं, उतना हमारे लिए जिंदगी बहुत खूबसूरत और आसान हो सकती है। अगर आपकी कोई बात है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें ईमेल कीजिए या फोन से संपर्क कीजिए। हम फिर से एक नए सीक्रेट के साथ, नए प्रश्न और उसके नए जवाब इसके साथ फिर मिलेंगे अगले कड़ी में। तब तक के लिए नमस्ते।